हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। और मेरा नाम हर्षित है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बेसिकली जो मैंने पास्ट में लिए हैं बायजूस पॉलिसी बाजार के रिगार्डिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यार, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि कौन सी प्रोफाइल ज़्यादा टफ लगी थी मेरे को यार। ठीक है, पर्सनली बायजूस वाली BDT या फिर पॉलिसी बाजार वाली एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं यार। अब सब्सक्राइब की नहीं कह रहा मतलब। ठीक है, तो भाई देखो यार, बायजूस वाली में तो यार थोड़ा नो डाउट डायरेक्ट बताता हूँ, बहुत मतलब थोड़ा चैलेंजिंग था यार। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो एजुकेशनल प्रोडक्ट सेल करना है आपको, ठीक है, और आपकी बातचीत पेरेंट्स से होती है। मतलब जैसे होता है ना, पेरेंट के साथ बात करना, पेरेंट के साथ बात करना आसान नहीं है भाई। पेरेंट के साथ जैसे यूँ समझ लो, पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसी आपकी बात होती थी ना, आपके पेरेंट्स की, ठीक है, तो उसी तरह का कुछ सीन रहता था। और कई बार तो बच्चे भी टकरा जाते थे फ़ोन पे। अब टॉक टाइम निकालने के लिए भाई बच्चों से बात करना, लेकिन पता है यार बच्चों को सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा टफ था यार, और थोड़े जॉब चैलेंजिंग भी थी यार इस तरह से, क्योंकि उस टाइम मतलब कौन सी थी, इनसाइड आउटसाइड सेल्स थी। ठीक है, आउटसाइड सेल्स थी और ट्रैवल करके जाना था। ठीक है, तो कभी कैब मिल रही है, कभी कैब नहीं मिल पा रही, या फिर बुक हो रही है, बुक नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इस तरह का सीन रहता था, और दूर दूर ट्रैवल करके जाना आउटसाइड सेल्स में बड़ा पंगा है। अब फिलहाल तो ठीक है यार, फिलहाल सिस्टम उनका कोई बायजूस 2.0 का नाम से नई स्कीम आई है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे यार कभी खुल के, बायजूस 2.0 नई स्कीम है या फिर नया, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अच्छी यार, तो कंपनी बढ़िया है। अब लेकिन टफ थे यार, ठीक है, जॉब चैलेंजिंग थी। और वहाँ पे मतलब प्रोफाइल, जैसे मान लो 50,000 का पैकेज आपका मंथली का बायजूस में, तो तीन तरह के रोल आपको है। एक तो टेलीकॉलर का, ठीक है, टेलीकॉलर का रोल भी आप ही का है। टेलीकॉलर के बाद आपको क्लाइंट के पास जाना है। आउटसाइड सेल्स की बात कर रहा हूँ, अब फिलहाल तो इनसाइड सेल हो गया। इनसाइड में बस यूँ समझ लो, जूम पे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो वो आपको ऑफिस में बैठे बैठे करनी होती है। अब मेरे को नहीं पता उनकी आउटसाइड सेल्स चालू हैं या फिर उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि पीछे उनके ऊपर थोड़ा एलिगेशन वगैरह फालतू के लग गए थे कि ज़बरदस्ती सेल करते हैं, मिस सेल करते हैं, इस तरह के न्यूज़ वगैरह में आता रहता है। क्योंकि यार जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो उनके ऊपर ऑब्वियसली बात है कि आरोप वगैरह भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो भाई हाँ, तो दूसरी जॉब होगी भाई कि आपको कस्टमर के पास जाना है, उनकी प्रॉब्लम एनालिसिस करना है, और फिर लास्ट में जाके प्रोडक्ट दिखाना है। वो सारा पिच के अंदर इंक्लूड होता है। पिच के ऊपर अगर आपको, वैसे बहुत बंदे हैं जो बायजूस के बारे में लिखते हैं, तो आप उनके बारे में सुनना पढ़ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा फिर लास्ट में कस्टमर से पेमेंट कराना, उनका ई मैंडेट वगैरह कराना। ठीक है, तो ये तीनों प्रोफाइल आपकी थी, और फिर लास्ट में वो प्रोडक्ट डिलीवर हो ही जाता है अपने आप जब वो कस्टमर अपने एंड से बुक करता है। ठीक है जी, तो ये बायजूस का था यार। और बड़ी हेडेक थी, क्योंकि कस्टमर भी, अब पेरेंट्स वगैरह भी मान लो रिपीटेड कॉल जा रही है उनके पास बायजूस की तरफ से। ठीक है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है यार, बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि उसी पेरेंट को आप दिन में तीसरी चौथी बार फ़ोन मिला रहे हो। ठीक है, वो बार बार मना कर चुका है कि भाई नहीं 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 लेकिन यूँ है, प्रेशर ऐसा कि भाई टॉक टाइम बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये हर सेल्स में होता है। चीप पीबी का लगा लो चीप, अब बात करेंगे पीबी की। ठीक है, ठीक है, तो बायजूस में यही था यार। ठीक है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग पड़ता था यार, क्योंकि बायजूस में यार कस्टमर आपके हर तबके के थे। हर तबके के इन द सेंस मतलब गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स भी थे यार। ठीक है, मैं जिस पेरेंट के घर पे गया था भाई, वो तो बहुत ही पुअर था। ठीक है, उसके बारे में फिर बताऊंगा। मेरा अपना पहला क्लाइंट कैसा था, उससे मेरी सेल हुई नहीं थी, सेल तो नहीं हुई थी, सेल तो छोड़ दो यार। ठीक है, लेकिन मेरा पहला क्लाइंट बहुत पुअर था भाई। ठीक है, तो उससे तो वो तो खरीद ही नहीं पाता, वो तो किसी को, लेकिन बस वो यूँ था कि तरह डेमो था मेरे लिए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को लगा यार ना ये नहीं, फिर मैं छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं था यार। ठीक है, ट्रैवल करना। फिर भाई चलो पॉलिसी बाज़ार की बात करते हैं। भाई पॉलिसी बाज़ार नो डाउट एज़ कम्पेयर टू बायजूस काफ़ी ठीक थी, और सेल्स में और प्रेशर के मामले में भी ठीक थी यार, क्योंकि और एक कस्टमर इंटरेक्शन में। ठीक है, कस्टमर आपके पॉलिसी बाज़ार में मोस्टली, जैसे मेरे को जो मेरे को टकराए थे ना, मोस्टली पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे नहीं भी थे तो मतलब इतने तो थे कि उनको समझ में आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और अगर उनको भी नहीं आता, लेकिन अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझ जाएंगे, इतना था। ठीक है, उनको यूं था कि मतलब इन्वेस्टमेंट इतना, मतलब इतना टफ नहीं पड़ा था एज़ कम्पेयर टू बायजूस, क्योंकि वहाँ पे एक तो सारे क्लाइंट मतलब मोस्टली जो भी पीबी पे लैंड करता है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है यार। अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है या आप उसकी हेल्प कर देते हो वो चीज़ ढूंढने में,
तो नो डाउट आपको वो सेल भी करवाएगा और आपका क्लाइंट भी बनेगा यार, ठीक है, आपके लाइजन अच्छे बनेंगे फिर, ठीक है। तो आसान था यार, पीबी में आपका यूँ था कि टेली कॉलिंग करनी है, ठीक है, कस्टमर के पास। मैं उसमें था, कौन सी में था यार, इनबाउंड सेल्स में था, ठीक है। इनबाउंड में यूँ है, इनबाउंड थे यार, आउटबाउंड थे, आउटबाउंड सेल्स, ठीक है, आउटबाउंड सेल्स में था मैं, जिसमें हमें ही कॉल करना था कस्टमर के पास, क्योंकि वो रात को रजिस्टर करके गए, मतलब पीबी पे रजिस्टर थे, तो रजिस्टर करके जाते थे, तो हमें ही कॉल करना पड़ता था और वो कॉलिंग चलती रहती थी भाई पीबी के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और फिर बस वो कॉल के ऊपर अगर समझ में आ गया तो कस्टमर अपने एंड से बुक करता था प्लान, और उसकी जर्नी हमें दिखती रहती थी, उनका मतलब डिजाइन सेटअप ऐसा डिज़ाइन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। तो पीबीए कंपैरिजन में इजी था यार, और कहीं जाना नहीं था, ट्रैवलिंग वगैरह करने का वो लेवल भी नहीं आया था, क्योंकि हम तो फ्रेशर में ही थे यार, 3 महीने, 2.5 3 महीने क्या होता है, फ्रेशर ही होता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू बायजूस यार, पीबी काफ़ी ठीक थी यार, ठीक है। और फ्लोर पे जो जिस तरह का माहौल था, टीम का, कल्चरल का, और एक मतलब रौनक रौनक इन द सेंस, फ्लोर के ऊपर जितने क्राउड था, ठीक है, बायजूस में उतना क्राउड नहीं था, बायजूस में मतलब आधे से ज़्यादा फ्लोर तो खाली पड़ा था, या हो सकता है वो कोविड की वजह से खाली हो, लेकिन वो खाली था यार। लेकिन पीबी के अंदर जब मैं गया था, तब नवंबर 2021 की बात बता रहा हूँ, तब तब भी कोविड एकदम ख़त्म ही हुआ था, लेकिन पीबी के फ्लोर पे रौनक थी भाई, मतलब क्राउड अच्छा था यार, बहुत क्राउड थी, भीड़ थी, ठीक है, ऐसा नहीं लगता था कि आप अकेले आ रहे हो, और हर एक बे आपकी पूरी भरी रहती थी यार, ठीक है, तो अच्छा था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, और अगर अभी तक आप बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्ट एलिगेंट फैक्ट्री, सब्सक्राइब कर देना, बाय।